बड़ी खबर वायनाड से आ रही है, जहां आपको बता दें प्रियंका गांधी को वायनाड से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वायनाड में होने वाले लोकसभा के उपचुनाव को लेकर प्रियंका गांधी को वायनाड से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वायनाड में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसके लिए प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार चुना है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 20 नवंबर को वोटिंग होने के बाद 23 नवंबर को इस चुनाव के नतीजे आएंगे। ये बड़ी खबर आ रही है। वायनाड से प्रियंका गांधी कांग्रेस प्रत्याशी घोषित की गई हैं। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद अब राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद प्रियंका गांधी को अब उम्मीदवार बनाया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। वायनाड में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, 23 नवंबर को जिसके चुनाव आएंगे। वायनाड में प्रियंका गांधी को कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किया गया है। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। वायनाड से कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को अपना प्रत्याशी बनाया है। 20 तारीख को 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसके बाद 23 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। राहुल गांधी ने वायनाड सीट से चुनाव लड़ा था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब प्रियंका गांधी को वायनाड सीट से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस के द्वारा। वहीं 20 नवंबर को वायनाड में वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है वायनाड से। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद अब प्रियंका गांधी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। चुनाव आयोग ने इसके चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। 20 नवंबर को वायनाड में वोटिंग होनी है, जिसके बाद 23 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे।